हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत पोयम द परफेक्ट लाइफ। ये वेन जॉनसन द्वारा कंपोज की हुई पोयम है, जिसमें कवि ने क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, अर्थात जो गुणवत्ता है वो मात्रा से कहीं अधिक मूल्यवान है, इस पर जोर दिया है और बताया है कि एक लंबा जीवन जरूरी नहीं है, जरूरी है छोटा परंतु गुणवत्ता युक्त जीवन जो व्यक्ति को श्रेष्ठ या महान बनाए। जिसके अंतर्गत कवि ने इसमें दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक उदाहरण है बलूत वृक्ष का, जिसमें कवि बताता है कि बलूत का वृक्ष बहुत लंबा और विशाल होता है और लगभग 300 वर्ष जीता है, किंतु जो इसका अंत है वो बहुत उपेक्षित होता है, बुरा अंत होता है। और दूसरा उदाहरण जो कवि ने दिया वो एक लिली यानी कुमुदनी के पुष्प का दिया है, जो एक ही दिन जीता है परंतु उससे ही सुंदरता और आनंद बिखेर जाता है। तो देखते हैं कवि ने कैसे इस पोयम में क्या कहा है एक परफेक्ट लाइफ के बारे में। तो इसमें कवि कहते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन वर्क डोथ मेक मैन बेटर वी और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई वाइल्ड एंड सियर। कवि कहते हैं, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, कि आकार में, इन बल्क आकार में, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज नॉट, ये नहीं है ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि पेड़ की तरह बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, आकार में एक विशाल वृक्ष के समान विशालता प्राप्त कर लेना। डोथ मेक मैन बेटर बी, कि इससे व्यक्ति महान नहीं होता, और अथवा महान नहीं होता या अच्छा नहीं होता, यानी आकार में वृक्ष के समान विशालता प्राप्त कर लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और स्टैंडिंग लॉन्ग, खड़े होना, स्टैंडिंग अर्थात खड़े होना, लॉन्ग लंबा अर्थात लंबा जीना, एन ओक 300 ईयर्स, कि ओक वृक्ष के समान 300 साल एक लंबा जीवन खड़े रहकर बिताना। स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, स्टैंडिंग खड़े रहना, लॉन्ग लंबा, एन ओक ओक नामक यानी बलूत नामक वृक्ष का लंबे समय तक खड़ा रहना, लगभग 300 वर्ष, 300 ईयर्स, कि 300 वर्ष ऐसे खड़े रहना, और टू फॉल गिरना अ लॉग एट लास्ट, कि गिर जाना अंत में एक लट्ठे की भांति, अर्थ एट लास्ट अंत में ड्राई सूख कर, बाल्ड बाल्ड अर्थात होता गंजा, यानी यहाँ गंजा कहने का अर्थ है पत्तियों का सूख जाना और यानी पेड़ का पत्ती विहीन हो जाना, एंड शियर और मुरझा कर और मुरझा जाना। कि कभी कहता है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, कि आकार में पेड़ के समान विशालता पा लेने से, अथवा स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, कि ओक नामक वृक्ष के समान लंबा जीवन यानी बहुत लंबे समय तक खड़े रहकर 300 वर्ष, और फिर गिर जाना अंत में, टू फॉल अलॉग एक लट्ठी की तरह सूख कर, अंत में सूख कर ड्राई होकर, और वाल्ड यानी पत्ते विहीन होकर, एंड मुरझा कर गिर जाने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, यानी वृक्ष के समान विशालता प्राप्त कर लेने से या बलूत के वृक्ष के समान 300 वर्ष तक खड़े रहकर और फिर अंत में सूख कर पत्ता विहीन होकर और मुरझाकर एक लट्ठी की भांति गिर जाने से कोई बेहतर मनुष्य नहीं बनता। आगे देखते हैं फिर कवि क्या कहते हैं। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर इन मी, अ लिली एक कुमुदनी ऑफ अ डे जो केवल एक दिन की होती है, इज फेयरर वो सुंदर होती है, वो कहीं अधिक सुंदर है मई में, इन मी कि मई के दिन में जो एक लिली होती है, कुमुदनी होती है, वह केवल एक दिन जीवित रहती है, एक दिन की रहती है, लेकिन फिर भी सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, सुंदर होती है। ऑल्दो इट फॉल, और यद्यपि यह गिर जाती है, एंड डाई मर जाती है दैट नाइट, एक ही दिन में यह खिलती है और उसी दिन यह मुरझाकर समाप्त हो जाती है। दैट नाइट उसी रात, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइफ, और ये कहलाती है द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि वृक्ष और
यानी पौधा, प्लांट और फ्लावर ऑफ लाइट, कि प्रकाश का ये फूल और वृक्ष कहलाती है, कि पौधा कहलाती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, कि इतने कम समय, एक ही रात में मुरझाकर गिर जाती है, फिर भी यह पौधा और प्रकाश का फूल कहलाती है। यानी प्रकाश का फूल यानी सुंदरता और आनंद को प्रदान करने वाली होती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बी जस्ट ब्यूटी सी, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, की छोटे अनुपात में, छोटी मात्रा में, बी सी बी जस्ट ब्यूटी सी, कि हम सुंदरता को देखते हैं। जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता को देखते हैं, अर्थात हमें छोटे छोटे आकारों की वस्तुओं में सुंदरता दिखाई देती है। एंड इन शॉर्ट मीजर्स, मीजर्स अर्थात माप, या ये कहें कि विस्तार, जीवन की छोटी सी अवधि। इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, कि छोटी सी अवधि का जीवन भी पूर्ण जीवन हो सकता है। ठीक लिली की तरह, कि जैसे लिली एक दिन में ही जन्मती है और एक ही दिन में मर जाती है, लेकिन फिर भी ये पौधा और प्रकाश का फूल कहलाती है, अर्थात आनंद देने वाला फूल कहलाती है। और हम बहुत छोटे छोटे आकारों की वस्तु में सुंदरता देख लेते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन बी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, इन शॉर्ट मीजर्स, और छोटे से माप में, मापों में, जीवन लाइफ में परफेक्ट भी, यानी जीवन पूर्ण हो सकता है। कि कभी कहता है, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर इन मी, कि मई के महीने में जो कुमुदनी होती है, एक दिन की, एक दिन जिस दिन खिलती है, एक दिन खिलती है, उसी रात ये मर जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, तो भी प्रकाश का फूल कहलाती है, अर्थात आनंद देने वाला फूल होती है। और हम छोटी छोटी आकारों की वस्तु में सुंदरता देख लेते हैं, यानी लिली जैसी छोटी चीजों में। इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और छोटे अनुपात में, अर्थात छोटी से विस्तार में भी जीवन बड़ा और परफेक्ट होता है, अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से यह पोयम समाप्त होती है। आशा है यह पोयम आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंचे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में हम फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और आगे भी हमसे निरंतर इसी तरह जुड़े रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।